गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग अपने केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन वीडियो पार्ट में आपके साथ हैं। सो एक सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम आपको आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जेई मेन जो कि जनवरी में होने वाला है उसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक सेशन आपके लिए रख रहे हैं जिसमें कि पास्ट के आए हुए और बाहर के बहुत चुनिंदा अच्छी प्रॉब्लम्स, नॉट रिपीटेटिव और बोरिंग टाइप की अच्छी प्रॉब्लम का दोस्तों कलेक्शन आपको दे रहे हैं, जिसको कि अगर आप देख लेंगे तो शायद आपको आगे आने वाले एग्जाम में आपको सारे रिएजेंट्स सभी चीज़ों का आपको एक रिकैप बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो उसी सीरीज में हम लोग आपके साथ हैं। और अगली दोस्तों जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ हूँ आज के वीडियो में, दैट इज आवर जेई 2011 की प्रॉब्लम है ये। ठीक है, सो थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी है ये। देखिए क्या सवाल में दिया गया है, ये पूछते हैं ऊपर समझते हैं क्या है। फिनॉल इज ट्रीटेड विद अ सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ KBr एंड KBr3। फिनॉल को हमने KBr और KBr3 के मिक्सचर से हमने ट्रीट किया है और पूछ रहा है कि भाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब अगर हम बच्चों फिनॉल चैप्टर में पढ़ते हैं तो फिनॉल की कोई भी रिएक्शन नहीं होती KBr के साथ, ना ही KBr3 के साथ। ये जो रिएक्शन मिलती है पहली नज़र में आपको लग रहा है कि भैया कौन सी रिएक्शन है, ना हमने इसको कोचिंग में पढ़ा, ना हमने किताब में पढ़ा, ना स्कूल में पढ़ा, तो ये आपको थोड़ा सा एक पैनिक कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों इस सवाल को हम लोग उठा रहे हैं और एक बढ़िया सवाल है ये। तो इस सवाल का जो फंडा है दोस्तों वो ये है कि फिनॉल डायरेक्टली KBr और KBr3 के मिक्सचर से रिएक्ट करा रहे हैं, तो फिनॉल डायरेक्टली KBr से नहीं रिएक्ट करता है। एक्चुअली में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप पी ब्लॉक चैप्टर को पढ़ा हुआ होगा आपने, तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि Br- Br-O3-। ठीक है, Br- और Br-O3-। ठीक है, इनका जो दोस्तों कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत ही फेमस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैरी आउट करता है बेसिक मीडियम में। एक बहुत ही फेमस एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दोस्तों ये कैरी आउट करता है और इसका जो दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज Br2। और जो OH- है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हमारा पानी वानी कुछ कुछ बना लेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही फेमस दोस्तों एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि Br-1 और +5 से जा रहा है 0 में, तो एक Br ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक Br रिड्यूस हो रहा है। सो इट्स अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में। इस चीज़ को हम लोग हमेशा बार बार बोलते हैं कि बच्चों जितनी भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, चाहे वो ऑक्सी एसिड और फॉस्फोरस से रिगार्डिंग है या हैलोजन, इन दो में हमको ज़्यादा मिलती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक एक रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य होती है। तो इस रिएक्शन का दोस्तों जो प्रोडक्ट है दैट इज बेसिकली Br2। आई एम नॉट राइटिंग अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन, आई होप कि आप इसको कर लेंगे, बट ये एक बहुत ही फेमस होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में भी हमको डिसप्रोपोर्शनेशन के एग्जाम्पल में ये रिएक्शन सबको मिलती है। सो नाउ लेट्स अगेन कम बैक टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम कि फिनॉल को हम KBr और KBr3 के प्रोडक्ट से के मिक्सचर से रिएक्ट कर रहे हैं। तो सवाल में क्या है भाई, फिनॉल इनके साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन यस इनके आपस में रिएक्शन के बाद जो ब्रोमीन बनेगा उसके साथ फिनॉल की बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है। फिनॉल क्या बच्चों, फिनॉल ये फिनॉल की दोस्तों गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। इट्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, ये एक फिनॉल का एक टेस्ट भी हो जाता है जो कि हम लोग NCERT में देखते हैं, क्योंकि फिनॉल में जो OH है बच्चों बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। इसके इलेक्ट्रॉन देने के कारण फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है। सो ऑल्दो हमने यहाँ पे लुईस एसिड नहीं डाला, बट इसके बावजूद भी रिएक्शन यहाँ पर बहुत ही फेवरेबली हो जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि रिएक्शन को करना नहीं, रिएक्शन को रोका कैसे जाए, इतने सारे जो Br मिल जा रहे हैं उसको रोका कैसे जाए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक लेस पोलर सॉल्वेंट जब लेते हैं तो मोनोब्रोमिनेशन होता है। एग्जैक्टली इसी के साथ साथ बच्चों यही रिएक्शन जो है फिनॉल की ही तरह एनिलीन में भी बड़ी तेज होती है, क्योंकि एनिलीन में भी आप समझ सकते हैं NH2 इज़ अ वेरी पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो इस सवाल का दोस्तों जो सही आंसर है वो आपके सामने है, इट इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो कि डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली इस तरीके से सवाल होता है। ठीक है, तो आइए चलिए अब अगली प्रॉब्लम पे आते हैं और उसके कंसेप्ट को सीखते हैं।
दोस्तों एक बार फिर से आते हैं अपनी अगली प्रॉब्लम पे। तो अगली जो प्रॉब्लम है मैंने एक ही साथ दोनों को लिख दिया है, सो आप लोग एक एक करके इन पे फोकस करिएगा, ठीक है। सो जो अगली प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये प्रॉब्लम है, ये हम लोग की जेई 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। सो जेई 2017 में हमसे ये सवाल पूछा गया, एक बढ़िया सवाल है। आपको हम यही चाह रहे हैं कि आपको ऐसे सवालों के कॉम्बिनेशन दिए जाएं, और आपके पास टाइम भी कम है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे, जिसमें आपका एक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बढ़िया सा रिवीजन हो जाए, रिएजेंट्स आपको याद आ जाएं, आप सवाल देखें फिर थ्योरी देखें तो आपको एक बढ़िया एक रिवीजन हो जाए, वही हमारी कोशिश है। तो दोस्तों अपनी अगली एक सवाल है कि 2017 में पूछा गया था कि इस रिएक्शन का बच्चों प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए इस रिएक्शन में हमको क्या मिला है, डायबॉल एच। बच्चों डायबॉल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का रिएजेंट होता है। अगर आप एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं तो आप ये पाते हैं कि डायबॉल एच की एनसीईआरटी में दो रिएक्शन है, एक तो डायबॉल एच कैन रिड्यूस एस्टर टू एल्डिहाइड, इट इज़ यूज्ड एज ए पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट, पार्शियल रिडक्शन को काम करता है, और दूसरा डायबॉल हमारा साइनाइड को इमीन, दैट मीन्स सी डबल बॉन्ड एन में भी रिड्यूस करता है, और उस इमीन को हम फर्दर चल के हाइड्रोलाइज करके एल्डिहाइड बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो मैं दोनों चीज़ों को लिख देता हूँ। सो डायबॉल की एनसीईआरटी में दोस्तों जो दो रिएक्शन है वो एक तो है उसका एस्टर से एल्डिहाइड बनना, और दूसरा है क्या बच्चों, साइनाइड से पहले क्या बनना, इमीन, इमीन इज दिस, और ये जो इमीन होता है सी डबल बॉन्ड को इमीन कहते हैं, और इसको फिर हम हाइड्रोलाइज करें तो ये एल्डिहाइड बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारे को एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बच्चों डायबॉल सिर्फ इन्हीं को नहीं रिड्यूस करता है, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को भी इसी तरीके से रिड्यूस कर सकता है, और डायबॉल अगर एक्सेस में होता है तो कंप्लीट रिडक्शन करता है, ये बात याद रखिएगा। डायबॉल बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को भी रिड्यूस कर सकता है, दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो पजेस पावर टू रिड्यूस पार्शियली रिड्यूस एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड टू एल्डिहाइड, इनको भी बच्चों ये एल्डिहाइड में रिड्यूस कर सकता है, इस बात को भी आप प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए चलिए आते हैं सवाल पे। तो पहले तो आपको पहचान है कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है भाई यहाँ पे, भाई यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या भाई ग्रुप है यार, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो सो देयर इज अ कार्बन चेन सी डबल बॉन्ड ओ, एंड देन सी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली ओ अटैच है, दैट्स एन एस्टर, सो ये एस्टर है, इन दोनों का बच्चों रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किस में होगा, डायबॉल एच पहले क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन। सो पहले तो भैया हमारा ये जो सी ओ एच है ये सी एच ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने बोला भले ही एनसीईआरटी में नहीं है बट हमको ये जानना है डायबॉल एच कैन ऑल्सो रिड्यूस अदर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव टू एल्डिहाइड, तो इसको भी रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में, और इसको भी भैया रिड्यूस कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। अब यहाँ ऊपर वाले पार्ट के लिए बच्चों थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म जानना चाहिए। देखो डायबॉल एच हो गया, एल आई एल एच फोर हो गया, एन ए बी एच फोर हो गया, करते क्या है, ये पहले बच्चों देते हैं यहाँ पे एच माइनस, और एच माइनस देने के बाद बच्चों ये बॉन्ड खुल जाता है, खुद टूट जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में क्या होती है, एस एन टू न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा जाएगा, जाएगा निकालना है दूसरे को, तो कौन जाएगा, ओ माइनस, तो ये खुल जाएगा, तो यहाँ वाला हिस्सा बच्चों ओ एच हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड खुल गया, इसमें ओ माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, यहाँ से लग गया, तो दिस गाय विल बिकम ओ माइनस जो कि पानी से एच ले लेगा, और ये तो हमारा एल्डिहाइड हो ही गया। सो द प्रोडक्ट इज ऑफ दिस रिएक्शन इज हमारा ये, दोस्तों हमने इस वाले बॉन्ड को खोल दिया, एस्टर को खोल दिया OH और एल्डिहाइड ग्रुप में, दो कार्बन का एल्डिहाइड, और ये वाला बंदा भी भाई रिड्यूस हो जाएगा CHO में। तो इस 2017 की दोस्तों जो प्रॉब्लम है जिसमें डायबॉल एच का पार्शियल रिडक्शन के बारे में बताया गया हमको, उसमें दोस्तों जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये दोनों हमको यहाँ पर मिलते हैं। चलिए आते हैं बच्चों अगली प्रॉब्लम पे, और अगली जो प्रॉब्लम हमारी वो भी बड़ी खूबसूरत प्रॉब्लम, दैट इज बिलोंग्स टू JEE 2016। ये 2016 की दोस्तों ये प्रॉब्लम है, और आइए जानते हैं इस सवाल में क्या हमको दिया हुआ है। देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि भाई हमने इस मॉलिक्यूल को लिया है और अब हम इस मॉलिक्यूल को इससे रिएक्ट करवा रहे हैं, किससे रिएक्ट करा रहे हैं भाई, NBS और K2CO3 डॉट वाटर से। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये आता है कि ये NBS और K2CO3 करेंगे क्या, हमारे पास दोस्तों सवाल यही कि भाई NBS और K2CO3 क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, NBS आपको याद होना चाहिए क्या करता है, बच्चों NBS का काम होता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे FRS कराना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना, दैट मींस एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या लगा देगा, BR। मैं आप चाहें तो मैं लिख भी सकता हूँ बच्चों एलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन, मतलब बेंजीन के बाजू वाली पोजीशन कहते हैं बेंजाइलिक
और डबल बॉन्ड के बाजू वाली पोजीशन कहते हैं एलाइलिक। सो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे बच्चों एनबीएस क्या लगाता है, बीआर, ठीक है, और रेडिकल मैकेनिज्म से। तो इस सवाल में सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो डबल बॉन्ड है इसके बाजू में ये जो दो पोजीशंस हैं यहाँ पे बच्चों बीआर लग जाएगा, पहली चीज तो ये होगी। उसके बाद में अगले स्टेप में भाई क्या होगा, अगले स्टेप में K2CO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। K2CO3 क्या बोला है, ऐसा डायरेक्टली हमको कोई रिएक्शन तो मिलती नहीं K2CO3 की, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जाते हैं दोस्तों। K2CO3 को K2CO3 मत जानो, इट्स अ बेस, ये एक बेस होता है। कार्बोनेट आयंस आर बेस, जो हम खाने वाला सोडा लेते हैं बाई कार्बोनेट वो भी बेस है, जो वॉशिंग सोडा होता है वो भी बेस होता है, आपके हाथ वाथ काट देता है, तो ये दोनों बच्चों बेस होते हैं, ठीक है। और बेस का काम क्या होता है, OH- देना। तो यहाँ पे पहले बच्चों लगेगा बीआर, और बीआर लगने के बाद क्या लग जाएगा, OH। तो आइए देखते हैं भाई इस तरह का कोई ऑप्शन है क्या जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसमें हम देखें तो भैया यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो भी भाई हम देख रहे हैं भाई कुछ नहीं हुआ, COH बन गया है। तो ये दोनों ऑप्शन तो भाई गलत हो जाते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है इसमें तो पता नहीं क्या ऑक्सीडेशन हो गया है, कीटोन बन गया है, ये ऑप्शन भी भाई गलत है। अब बचता है हमारे पास भाई ये ऑप्शन। अब सवाल आता है कि ये डबल बॉन्ड कैसे माइग्रेट कर गया, भाई सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि भैया ये डबल बॉन्ड कैसे माइग्रेट कर गया। तो डबल बॉन्ड को भी भाई माइग्रेट हम लोग करा सकते हैं, आइए समझते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है तो इसके आस पास वाली जगह पर बी आर का लगना अच्छा नहीं होगा, तो सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ होगा, हमारा बी आर यहाँ पर लगाओ। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट जो एनबीएस वाली जो रिएक्शन है उसका पहले बच्चों प्रोडक्ट ये हुआ होगा। अब इसके बाद क्या हुआ होगा, ये जो हमारा K2CO3 जो पानी है, ये बेसिक पीडियम का पानी है, इसके द्वारा फिर क्या होगी बच्चों, SN1 रिएक्शन। SN1 क्यों, क्योंकि बच्चों जो रीअरेंजमेंट होती है वो SN1 पे ही हो सकती है, और SN1 कब होती है, जब कार्बोग्राइन स्टेबल होता है। तो यहाँ पे कार्बोग्राइन अच्छा हो सकता है तो यहाँ पे हम SN1 करा देंगे। SN1 कैसे कराएंगे, सबसे पहले Br- जाएगा, यहाँ कार्बोग्राइन बनाएगा, और अब ये कार्बोग्राइन क्या कर सकता है भाई, रेजोनेंस में है तो ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो पहले वहाँ पे Br था, फिर वो Br हमारा टूटा ड्यूरिंग रिएक्शन। SN1 में क्या होता है, पहले हैलोजन निकलता है, कार्बोग्राइन बनता है, और ये जो दोस्तों कार्बोग्राइन है, मैं इसको यहाँ पे हटा के लिख देता हूँ, ये जो दोस्तों कार्बोग्राइन है, ये कार्बोग्राइन हमारा रीअरेंज कर सकता, मतलब रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पहुँच जाएगा, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये दोनों जगह जा सकता है। इट कैन डीलोकलाइज टू दैट पोजिशन ऑल्सो, यहाँ पे बच्चों ये डीलोकलाइज करेगा, और यहाँ पे फिर ये डीलोकलाइज करने के बाद इसी पोजीशन पे अगर पानी का OH या फिर K2CO3 जो हमने डाला हुआ है उसका अगर OH आके लग जाए यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर OH लग जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस सवाल का जो सही आंसर है वो ये है, ठीक है। तो ये हमारी 2016 की प्रॉब्लम है जिसमें कि पहले क्या करना है, NBS के बारे में बताया गया है। NBS क्या करता है बच्चों, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर BR लगा देता है थ्रू सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद K2CO3 और पानी के साथ रिएक्शन है। K2CO3 एसिड डायरेक्टली बच्चों कहीं पर भी आपको नहीं मिलता है, बट प्लीज याद रखिए इट्स अ बेस, इसीलिए हम इसको कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट में भी यूज करते हैं। क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव एफरवेसेंस ऑन रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमारी सवाल है, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस में जल्दी जल्दी अपलोड करता हूँ, और आपका भी रिवीजन होता रहे और मेरे को भी खुशी मिलती रहे कि भाई मेरे कारण आप में से किसी का थोड़ा बहुत भी अगर भला हो जा रहा है तो ये चीज़, ठीक है। चलिए बच्चों पढ़िए आप लोग अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट।